पेन ओपन करने के लिए क्या होता है, स्टार्ट मेनू पे जाके भी सर्च कर सकते हो, या सर्च में देख के भी सर्च कर सकते हो, और ये ड्राइव से भी जाके सर्च दे सकते हो पेन, या फिर रन रन कमांड से भी कर सकते हो। एक रन कमांड होता है जिससे हम कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। तो रन कमांड के लिए आपको शॉर्टकट देना पड़ता है विंडो की, उसको विंडो की कहते हैं, जिसके विंडो का बटन निशान होता है, और उसके साथ आर अगर प्रेस करते हो तो ये आपके सामने खुल के आता है रन कमांड। अब यहाँ भी डालेंगे एमएस पेन, बट यहाँ पे डालने के लिए कीवर्ड्स होते हैं, ऐसे कुछ भी डाल दो तो खुल जाओगे। हर सॉफ्टवेयर का कीवर्ड्स होता है, जैसे कि एमएस पेंट होता है, वीन वर्ड होता है, नोट पैड होता है, तो हर प्रोग्राम का कोड होता है। पेंट का क्या होता है, एमएस पेंट। अब इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अभी देखिए स्क्रीन छोटा दिख रहा है ना, ये व्हाइट वाला व्हाइट एरिया जो है वही आपका फोटो का एरिया, फ्रेम इसको बोलते हैं। इस फ्रेम को कम या ज्यादा किया जा सकता है, कैसे, बाहर कहीं क्लिक कीजिए, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना एरो, इसको लेके आप कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन कितना कितने हिसाब, तो होता क्या है, जो आपको पिक्चर बनाना है उसका एक साइज होता है। जैसे आप फोटो की दुकान में जाते तो पूछता है 5x7 चाहिए, 7x20 चाहिए, या 4x6 चाहिए, या पासपोर्ट साइज चाहिए 3x2। तो आपका उसी हिसाब से इसका साइज डिफाइन किया जाता है कि ये साइज फोटो जो बनाना चाहते हो उसमें साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे तो कैसे लाओगे, व्यू मेनू बार, इसको बोलते हैं मेनू बार, ठीक है ना, इसमें फाइल होम एंड मेनू। तो व्यू मेनू बार में आपको दिखेगा रूलर, रूलर मतलब कि स्केल। ठीक है, तो मुझे यहाँ जो बनाना है पिक्चर्स, मान लो स्क्वायर बनाना है 500x500। ठीक है, 500x500, यह है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब कि ऊपर से इसकी चौड़ाई भी 500 है और इसकी ऊंचाई भी 500। अब मुझे इस पे अपना जो भी ड्राइंग करना है तो पेंट के अंदर में हम ड्राइंग भी कर सकते हैं और कहीं से फोटो लेके आके भी यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। जैसे कि इंटरनेट तुम खोला, इंटरनेट में जो एक फोटो दिख रहा है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं सर्च करता हूँ कुरकुरे, कुरकुरे पिक्चर ले लिया, और इसकी इमेज पे आता हूँ, बहुत सारे पिक्चर्स मिल जाएंगे। अब मुझे इसमें मान लो जो कुरकुरे चाहिए वो कुरकुरे चाहिए, तो मुझे इसका चाहिए, तो उसको राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज, राइट क्लिक, कॉपी इमेज, और यहाँ आके मैंने पेस्ट कर कर पेस्ट के लिए आपको कंट्रोल वी करना है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से, या ऊपर ही दिखता है ना पेस्ट का ऑप्शन, इस पर भी क्लिक करोगे तो पेस्ट होगा। और माउस से हाँ माउस से हुआ ना, राइट क्लिक करके पेस्ट होता है, माउस भी, माउस नहीं राइट क्लिक करना है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि मेरा जो पिक्चर है वो मेरी फ्रेम के साइज में नहीं है, नहीं है ना। अब मुझे इसको डिलीट करना है, तो दो तरीका है, एक तो है कि आप कंट्रोल जेड, या ऊपर दिखा ना एरो की अंडो, अंडो की कंट्रोल जेड क्या होता है, जैसे आप तुम कुछ करे, तुमको लगा कि मैंने गलत कर दिया, तो मुझे एक स्टेप पीछे आना है, तो उसके लिए हम अंडो का यूज करते, समझे, इसको हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं, इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल जेड, ऊपर दिख रहा है। अब एक होता है रीडो, अब मैंने अंडो कर दिया लेकिन मुझे एक स्टेप पीछे नहीं आना, तो उससे आगे भी डाल, हम गलती से कंट्रोल जेड कर दिए, तो जो था वो ठीक था, तो आप यहाँ इस पे क्लिक आ गया। और इसे पेंट में ही नहीं, हर जगह यूज किया जाए, एक रहता है ना जैसे कि डिलीट कर दी इसमें से भी, लेकिन ठीक है, तो अंडो और रिडो, तो ये ऐसा नहीं है कि आपका डिलीट किया हुआ लेके आ रहा है, जी नहीं, ये आपके कमांड को एक स्टेप पीछे या एक स्टेप आगे करता है।
आगे पीछे करते हैं कमांड को, आप जब कुछ करते हैं तो सिस्टम को कमांड देते हैं, इसको आदेश कह सकते हैं। तो आदेश का सीक्वेंस होता है, आपने अगर 20 चीजें डाल दी तो बीच सिस्टम में क्या होगा कि 20 चीज को एक क्रम में डालेगा। तो आपको लगा कि 19 बार आपने गलत किया है तो आप कंट्रोल जेड करके 18वें पे आ सकते हैं। तो ये स्टेप होता है, और कंट्रोल जेड हर जगह पे यूज किया जाता है कुछ गलती हो गई कहीं। जैसे मान लीजिए ना कि मैंने यहाँ पे एक फाइल लिया जिसमें कैश तो फाइल है और मैंने उसको डिलीट कर, पर गलती से डिलीट हुआ है, तो वापस मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो देखिए वापस फाइल आ गया, दूसरा वापस आ जाएगा। कोई भी ऐप नहीं, ऐप नहीं फोल्डर हम वाली क्यों हुआ, वापस क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने डिलीट किया तो ये सिस्टम से परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ, ये चला गया रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन मतलब कि कचरे की पेटी। और इसको नहीं, जैसे तुम्हारे घर में कोई कागज है और कागज लेके कचरा के डब्बा में डाल दिया, अब तुम खोजोगे तो कचरा का डब्बा उसको वापस निकाल सकते हो, बट कचरा का डब्बा लेके तुमने जाके बाहर फेंक दिया तो उस कागज वापस तो नहीं आएगा ना। सेम चीज जब हम इसको, जब हमने इसको डिलीट किया तो सिस्टम ने उठा के यहाँ कचरा के डब्बा में डाल दिया, और एक साइकिल नहीं रहेगा, डिलीट कर देंगे तो फिर तो नहीं ला सकते। तो रिसाइकल बिन जो होता है कचरा का डब्बा होता है, कोई भी फाइल डिलीट होती है तो कचरा के डब्बा में। अब यहाँ बात आता है कि अगर आपके रिसाइकल बिन में ना हो तो उसके रीजन है, अब आपने रिसाइकल बिन को अगर खाली कर दिया तो खाली कर दिया, फेंक दिया तो आ गया नहीं, लेकिन फाइल को आपने डिलीट नहीं किया, आपने किया है शिफ्ट के साथ डिलीट। क्या किया? शिफ्ट के साथ डिलीट करते ही आपसे पूछेगा कि डू वांट टू डिलीट परमानेंटली, यहाँ दिखा हुआ ना, आर यू श्योर डू वांट टू परमानेंटली फाइल। तो अगर नॉर्मल डिलीट करते समय ये नहीं पूछा था, क्योंकि सिस्टम को पता है कि नॉर्मल डिलीट हो रहा है तो रिसाइकल बिन से आ जाएगा, इसलिए आपने कन्फर्म नहीं किया। लेकिन अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया परमानेंट, अब मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो फाइल वापस क्योंकि वो सिस्टम से निकल चुका है, ओके? और रिसाइकल बिन में हर डिलीट की फाइल नहीं रहता है, इसको एक साइज दिया गया, जैसे घर में कचरा की थैली की साइज होता है ना भाई, 5 किलो का थैली है तो 4 दिन का कचरा उसमें आ जाएगा, 5वां दिन तुमको उस कचरे को फेंकना है। उसी तरह से जैसे ही रिसाइकल बिन फुल होगा ये अपने आप जो है खाली करता जाएगा, बट रिसाइकल बिन एक बार में पूरा खाली सिस्टम नहीं करेगा। अगर तुम खाली करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया और बोल दिया इंफेक्टिव रिसाइकल बिन, तो पूरा खाली कर देगा, लेकिन सिस्टम क्या करेगा सिक्वेंसली, जैसे कि अगर 10 फाइल था तो 11वां फाइल आ गया तो फिर क्या करेगा, पहले फाइल को डिलीट मार देगा। 10 फाइल की कैपेसिटी उसकी है, रिसाइकल बिन में 10 फाइल रहेगा, अब उसको एक फाइल आया तो पहले फाइल को हटा देगा, तो 2 से 12 आ गया, फिर 13वां फाइल आया तो फिर दूसरे फाइल को डिलीट कर देगा। तो पीछे पुरानी फाइल को डिलीट करते रहता है और नई फाइल को एक्सेप्ट करते, तो एक टाइम पीरियड का फाइल इसमें रखता है रिसाइकल, ठीक है? तो कंट्रोल जेड रिसाइकल बिन नहीं है, कंट्रोल जेड क्या है, एक स्टेप को आगे पीछे करने का, ठीक है? पेंट में इसका इतना बताने की जरूरत था कि पेंट में इसका ज्यादा यूज होता है, पेंट में इसका ज्यादा यूज होता है। क्यों होता है यूज, क्योंकि जैसे कि हम ड्रॉइंग कर रहे हैं, मान लीजिए कोई ड्रॉइंग कर रहे हैं, आयाम ड्रॉइंग ऐसे हमने, अब मुझे गलती हो गई यार, मुझे ऐसा नहीं करना था, तो कंट्रोल जेड कीजिए, ठीक है? कंट्रोल जेड कीजिए, और कंट्रोल जेड एक ही बार नहीं, कई बार कर सकते, कई बार, याद रखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हुआ। अब मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो 9 गया,
किया सेवन किया, लेकिन ए भी अनलिमिटेड नहीं है। 27 टाइम जो है आप डाल सकते हैं, उसके बाद फिर कंट्रोल जेड भी वर्क नहीं करेगा। दूसरा, अगर आपने फाइल सेव करके क्लोज कर दी तो फिर कंट्रोल जेड भी काम नहीं करेगा। कोई भी फाइल, जैसे कि फाइल हुआ है 27 लिखा और हमने आपके दे दिया, दे दिया। अब मैं इस ग्राउंड को हटा सकता हूँ, हटा दिया और वापस ला भी सकता हूँ। लेकिन जैसे मैं इस फाइल को क्लोज कर दूंगा, फिर इसको वापस ओपन करूंगा, तो कंट्रोल जेड से ये वाली चीज नहीं हटेगी। तो कंट्रोल जेड एक्टिव फाइल पे वर्क करता है, किस पे वर्क करता है, एक्टिव फाइल पे, वो भी 27 टाइम, ठीक है। और रीडो जो है कब करता है, जितना बार आप कंट्रोल जेड कर सकते हैं उतने बाद ही आप कंट्रोल वाई कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल वाई। क्लियर है? अच्छा, ये वापस करते हैं कि हमें पेन से इसका एक पिक्चर मुझे यहाँ पे लेके आना, इसको हमने कॉपी किया और हम यहाँ पे फिक्स कर, बट मेरे साइज का नहीं है, तो यहाँ से मैं साइज को इंक्रीज कर सकता हूँ। बट ध्यान रखिए, पेन से में साइज को अगर बड़ा छोटा करेंगे तो वो साइज आपको पिक्चर का ब्लर आ जाएगा, पिक्चर की जो क्वालिटी है वो डल हो जाएगी। समझ गए? तो इसको बड़ा करने के लिए जहां से पिक्चर ले रहे हो वहीं पे जाइए, वहीं पे पिक्चर को बड़ा कर दीजिए। देखिए काफी बड़ा हो गया, ये आ गया 1100 by 1500, दिख रहा है? एक बार बताइए क्या बड़ा कैसे कर किया था? बड़ा यहाँ पे नहीं करना, बड़ा जहाँ से कॉपी करो, इस पे छोटा है ना, क्लिक करते बड़ा हो गया। बड़ा कैसे होगा ये? अब क्लिक करते हो जाएगा ना, इसको देखिए यहाँ पे क्लिक किया अपना बड़ा हो गया, इंटरनेट का पार्ट है। देखिए इसको बड़ा करने के और भी तरीके हैं, जैसे कि आप इसको एक्सेल पे ले जाइए, कॉपी कीजिए और इसको MS Excel पे या Word पे या PowerPoint पे ले जाकर इसको बताया। एक्सेल पे लाया, उसको आ गया। अब यहाँ मैं बड़ा करूंगा तो मेरा पिक्सल नहीं पता, नहीं पता। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर, कॉपी करके कंट्रोल सी से और पेंट पे ले जाऊंगा, आगे ठीक है। और यहाँ भी सिस्टम बता, आगे से पढ़ाऊंगा, यहाँ भी पिक्चर फॉर्मेट होता है जहाँ पे साइज डिफाइन कर सकते हो। ये मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 5x5 ले लेता हूँ, कॉपी कीजिए, परफेक्ट है, ठीक है। ठीक है, तो कहीं से कॉपी पेस्ट कैसे पिक्चर करेंगे समझ में आ गया। और जैसे कि मान लीजिए कि आपने कॉपी कर दिया कुछ पिक्चर, कुछ छोटा पिक्चर मान लीजिए मैं रखता, बहुत छोटा पिक्चर,
इसको छोटा कर देता हूँ और छोटा पिक्चर आप यहाँ पर रखते हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं अब मैं इसको सेव करूंगा तो जस्ट सिर्फ पिक्चर सेव नहीं हो, ये ब्लैक एरिया भी सेव। आप चाहते हैं कि जब मैं इसको ओपन करूँ इससे मुझे पिक्चर दे, देखिए मैं इसको सेव करता हूँ, जब मैं इसको सेव करूंगा तो वापस पीछे से दिख रहे हैं आप, इसमें पिक्चर दिख रहा है, ब्लैक एरिया दिख रहा है कहीं पे, व्हाइट एरिया सॉरी ये दिख रहा है व्हाइट एरिया, क्योंकि इसने जब पिक्चर को सेव किया तो जो फालतू के व्हाइट के लिए थे उसको यहाँ से पिक्चर के साइज वर्क कर दिया। ओके तो आप लोग भी ऐसा करेंगे तो इसी तरह से। अब इसके अंदर जो ड्रॉइंग है उसके बारे में बता देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे टूल्स देखते हैं, ये आपका आता है, ये आपका पेंसिल है, ये अपने हिसाब से जैसे पेंसिल चलाते से ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपका इरेजर है, यहीं पे कुछ किया तो डिलीट कर सकते हैं, इरेजर का साइज बहुत छोटा है तो इसको बड़ा करने के लिए कंट्रोल को प्रेस रखें और बीच वाले माउस के व्हील को कंट्रोल प्लस, वो नहीं होता कंट्रोल प्लस को, कंट्रोल प्लस ठीक है आपका साइज बड़ा हो जाए। उसके बाद ये आपका होता है पेंट होता है, जैसे मान लीजिए तो आपको कोई कलर चूज करना है, यहाँ से कलर चूज कलर वन में मतलब कलर होना चाहिए, जो यहाँ कलर दिखेगा वही यहाँ आएगा, यहाँ से चूज करने में कभी भी गलती कर जाते हैं कि इसको सेलेक्ट कर देते नहीं, कि कलर वन कलर टू दिख रहा है बॉर्डर कलर होता है तो कलर वन को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद जो कलर है उसको सेलेक्ट कीजिए और जैसे ही क्लिक कीजिएगा पेंट हो जाएगा। तो कलर टू में कलर टू बॉर्डर के लिए होता है ठीक है। और ये होता है टेक्स्ट, अगर आपको कुछ लिखना है कहीं पे लिखना, जहां लिखना है वहां पे क्लिक कीजिए और आप टाइप कर, और इसका कलर भी जो यहाँ सिलेक्टेड है वही कलर होगा। ओके अब मैं आईपीटीएक्स को यहाँ लिख दिया, मुझे पर टॉप पे लिखना, तो ये आपको सिलेक्ट दिख रहा है, इस सिलेक्ट को उठाइए और यहां से इसको सिलेक्ट करके आप यहां उठा देंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर साइज फिक्स कर सकते हैं, रोटेशन फिक्स कर सकते हैं, यहाँ पे आता है रोटेट, जैसे अब आईपीटीएक्स स्कूल क्या है अभी, ये अभी लेफ्ट टू राइट है, मुझे टॉप टू बॉटम बनाना है, मैं इसको घुमा देना है तो यहाँ आप इसको घुमा सकते हैं। ये आपका मिरर हो गया, मिरर में होता है और कहीं भी मूव करना चाहो मूव कर, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे किसी और भी आता है, अभी एक ब्रश जो लिखा है ड्रॉप, ड्रॉप क्या इसको बोलते हैं कलर पिकर, कलर पिकर मतलब कि आपने कहीं से कोई पिक्चर कॉपी की, कोई पिक्चर कॉपी जैसे मैंने इसको कॉपी कर दिया, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो एक कुरकुरे का जो ब्लैक एरिया है ना ये जो, और इसको बड़ा करना है पिक्चर को, यहाँ बड़ा कर लीजिए। अब मैं जो ये देखता हूँ कि कुरकुरे का अंदर जो ब्लू कलर है ना सेम कलर बाहर हो गया, चाहे यहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कलर या इस पे आप नहीं देख पा रहे, तो आप क्या करें कलर पिकर से यहाँ पिक कर, पिक करने के बाद जो कलर यहाँ था वो देखिए यहाँ पर आ गया ऑटोमेटिक, उसको चूज कर लिया। अब मैं जो कलर यहाँ पे फिल करूंगा या टाइप करूंगा जो भी कलर होगा उसी ठीक है, कलर पिकर का काम उसी से। तो यहाँ पे आता है मैग्नीफायर, मैग्नीफायर कि आपको इसे मान लीजिए कि जो दिख रहा है ग्रीन है, तो ग्रीन दिख रहा है ना आपको, अब मुझे इसको रेड करना है कैसे करें, क्योंकि तो बहुत छोटा है क्या, तो मैग्नीफायर लीजिए और इसको मैग्नीफाई करते चले जाए जब तक काफी बड़ा ना हो जाए, फाइनली 100% आ गया, अब काफी बड़ा हो गया।
अब यहां हम अपने हिसाब से रेड कलर एक बॉर्डर सिलेक्ट करता हूँ रेड, और इसको कर दिया, और इसको छोटा कीजिए, यहाँ पे रेड दिख रहा है। तो छोटे एरिए को आप यहाँ मैग्नीफायर से मैग्नीफाई करके आराम से यूज कर सकते। उसके बाद यहाँ ब्रशेज होते हैं, आपको अगर कुछ पेंट करना है तो ब्रश आपको मिलेंगे, ब्रश का जो साइज है मोटा हो पतला हो ये आप यहाँ से डिफाइन कर सकते। यहाँ ये देखिए अलग अलग स्केज हुए हैं, पेंसिल है, तो यहाँ से आपकी ये ड्रॉइंग के लिए होता है डिजाइन। कोई आर्ट अगर लेना चाहे तो इसके लिए है स्टेप्स, जैसे मुझे अगर आर्ट लेना है या कुछ और लेना है तो आप यहाँ से इसको डिजाइन कर सकते हैं। इसके अंदर कलर वगैरह फिल करना है तो ये बकेट्स का फिल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बाकी नॉर्मल चीजें हैं। व्यू में आपका व्यू कैसा होना चाहिए, रूलर है, एक लाइन है, इस तरह की लाइनिंग आ जाएगी ताकि आपको अच्छा होगा। फुल स्क्रीन करेंगे तो फुल स्क्रीन में दिखेगा कैसा दिखना है, चित्र में दिखाएगा। यहाँ थंबनेल क्लिक करेंगे तो थंबनेल क्या होता है, थंबनेल क्या होता है, तो बाहर आप देखते हैं ना कोई फाइल देखते हैं तो फाइल पहले से दिखता है ऐसे ही देखते हैं, इसको बोलते हैं थंबनेल। इससे पता चलता है कि इसके अंदर किस तरह का फोटो है। तो अगर आपको लग रहा है कि फोटो है एक पर्टिकुलर एरिया है तो यहाँ आप क्या करें थंबनेल पे क्लिक करें और इस थंबनेल को उठा के रखना है कहीं और रखना है तो इसको आपको रखना इस एरिया को, ठीक है। ये नॉर्मल सी व्यू थी जिसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ नया जो विंडो पेंट आया है, एक तो 3D पेंट आया है, उससे क्या होता है कि आपको 3D पेज खुल जाता है, इसमें और अच्छा पेंटिंग का साधन दिया गया है। इसमें इसमें और भी बहुत सारा मतलब तरीका है इसको कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं देख आता हूँ यहाँ से बड़ा करके हो गया, अब इसको मैं बड़ा करूँगा तो ये नहीं पड़ता, इसको नहीं पड़ता, पता है ना। इसको रोटेट कीजिए, डिग्री मतलब 380 डिग्री होता है। ये सी हम आगे से इतना पेंट का जो है वो आप कीजिए, फिर अगली क्लास में हम आगे से